हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं साधना मौर्य आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साधना स्टडी जी के बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के अभ्यास प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी को गोली मारने के जुर्म में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई और उनके 5 साथियों को उम्र कैद की। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल के साथ कौन सा राज्य साझा नहीं करता? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य किसके साथ साझा करता है? भूटान के साथ, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब साझा करते हैं। और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड, ये 5ों राज्य साझा करते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 2, आर्टिकल अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम करने पर निषेध से। देखते हैं कौन सा आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति की क्षमा दान को शक्ति। आर्टिकल 143 में है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। और आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों का संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 में है मूल अधिकारों का संरक्षण करता है हाई कोर्ट। आर्टिकल 213 में है राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 3, 2020 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 104 बार। क्वेश्चन 4, 2021 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105 बार। BS का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर 1965 को। आगे देखते हैं, BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। धरती का विलोम शब्द है आकाश। आगे देखते हैं, किसका क्या विलोम शब्द है? कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न। अपना का पराया, आकाश का पताल, दिन का रात। आगे देखते हैं, धनवान का निर्धन, ज्ञानी का अज्ञानी, ईमानदार का बेईमान, बुद्धिमान का मूर्ख, लुप्त का प्रकट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 7, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है किसी के विपरीत होना या सहायता न करना? गोदावरी की सहायक नदी है पेगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर, मंजरी, सबरी। टाइगर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ है? मैसूर और कर्नाटक। श्रवण बेल, क्वेश्चन 11, श्रवण बेल गोला कहाँ पर है, किससे संबंधित है? इसका उत्तर है कर्नाटक में है, जैन धर्म से संबंधित। क्वेश्चन 12, 2020 का मैन बुकर पुरस्कार सगी बेन पुस्तक के लिए किसको दिया है? इसका उत्तर है डगलस स्टूट को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 13, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की? इसका उत्तर है सेनापति पीयूष मित्र सुंग ने की और उसने सुंग वंश की स्थापना की। आगे देखते हैं, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य थे और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो राजनीतिक से संबंधित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 14, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर समुद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि उसने पूरे भारत को जीत लिया था। भारत की स्वर को किला किसे कहा जाता है? इसका उत्तर लता मंगेशकर को। आगे देखते हैं, आज का अभ्यास प्रश्न है, समुद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? ये आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही जी का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, सीखते रहिए।